अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आया रॉयल फ़ैन, जो कि एसीडीसी फ़ैन है। इसको मैं पूरा इंस्टॉलेशन करते हुए दिखाऊंगा आपको, और ये कितने में लिया है ये भी आपको बताऊंगा। अभी डब्बे का अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मैं, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो चलते हैं फिर अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपको इस डब्बे में से आपको टेप को निकालना है। ये देखिए रॉयल फ़ैन है, एसीडीसी फ़ैन है, ये सीलिंग फ़ैन है। इसको अच्छे से इसका टेप को निकालें। भाईजान से वीडियो देखने का नहीं है, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों को। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो इस पर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। और एक वाजे है जो कि सभी को पता है, ये इसमें से डीमर आपको हरगिज़ रिमूव करना है। डीमर रिमूव नहीं करेंगे तो आपका सर्किट ख़राब हो जाएगा। और ये इसमें बायोडाटा बना हुआ, डायग्राम बना हुआ, इसी तरीके से आपको पंखे का इंस्टॉलेशन करना है। तो ये तो कोई भी आम बंदा कर सकता है। अब इसके साथ क्या क्या है, एक अदद इसके साथ कैप है जो कि ऊपर की जानब लगेगा, सही है। फिर जो है इसके साथ जो है ये फ़ैन है, फ़ैन को हम निकालते हैं, जो कि मोटर है, एसीडीसी मोटर भी निकल गया कुछ ज़्यादा। फिर इसके साथ एक रिमोट है, ये रॉयल फ़ैन का इसमें ब्रांडिंग किया हुआ, रॉयल फ़ैन लिखा हुआ, सही है, लोगो बना हुआ, सही, रॉयल फ़ैन का ब्लैक कलर में है ये। तो ज़्यादा कुछ इसमें सामान नहीं है, बस एक पंखा है जो कि मोटर है, एक कैप था और एक रिमोट है कदर। अब ये इसका ये देखें रॉयल फ़ैन, और ये मेरे ख्याल से रूम कूलर है जो इसमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है इसमें, सही है। ये डिज़ाइनिंग इस पंखे का जो आपने देखा है। तो ये रिमोट है और ये कैप एक ये डब्बे से निकला है, सही है। ये इसका जो डिज़ाइनिंग है ये आप देख सकते हैं, अच्छा सा है, थोड़ा सा यूनिक सा है, थोड़ा सा अच्छा है। फिर ये इसके साथ अब जो है ये पर को खोलते हैं, पर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पर के साथ क्या क्या है ये आप देखते हैं। अच्छा, ये है पर जो है ये तीनों एक साथ जो है इसको प्लास्टिक से, इसको मतलब प्लास्टिक तीनों एक साथ है, ये देख सकते हैं, सही है, तीन पर हो गया। और इसके साथ जो है हमें मिलता है एक अदद पाइप, जो कि रॉड जो है जो पंखा जिसमें हैंग होगा, सही है, ये आप देख सकते हैं। ये तो ये सब सामान है इसके साथ, रिमोट है, पर है, फिर उसका पाइप है, फिर ये मोटर है और ये कैप है, सही है, बस ये है बस। चलें हम सर्किट का कवर खोलते हैं। लेकिन सर्किट में रॉयल फ़ैन वालों ने इतनी गंदगी से काम किया, देखें तीन मोटर से वायर निकला, तीन सर्किट से इस तरीके से वायरिंग किया। ये है एसी का, सही है, लाइन लगेगा, और यहाँ पे ये है रिमोट कंट्रोलर का सेंसर है, ये सही है, आरएफ टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब कहीं पे भी रिमोट को मूव किया जाए तो वहाँ से ये कंट्रोल नहीं होगा। इसको जो है ये डीसी वायर है, इसको रिमोट को जो है पंखे की तरफ करेंगे तो ये काम करेगा। डीसी वायर है, यहाँ पे सोलर और बैटरी का कनेक्शन होगा इस जगह में, ये इसका रिमोट का। यहाँ तक कि इन्होंने स्टैंड तक नहीं दिया, जो कि दीवार में हैंग होता है, सही आराम से, ये देखें जो यहाँ पर हैंग करने का, इन्होंने इसमें भी डंडी मारा रॉयल वालों ने। तो ये छोटी छोटी चीज़ भी देखा जाता है। अब ये यहाँ पे पाइप जो है, ये जगह जो है छत की हाइट जो है ना बहुत छोटा है, तो हम इसमें ये छोटा पाइप लगाएंगे। ये हम ख़रीद के लेकर आए हैं अलग से, हालांकि इसका ओरिजिनल होता है ये पाइप, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो पंखा बहुत नीचे आ जाएगा, तो ये लगेगा, सही है। लेकिन किया ना पंखे ने, जो खुर्शीद ने, क्या नाम है, तहमूर ने, एसके ने, सब ने किया था जो स्टैंडर्ड तरीके से, इन्होंने बिल्कुल बेतुका तरीके से वायर निकाला। ये 55 ये है, 55 वाट पे चलता है, 365 आरपीएम, 375 आरपीएम पे चलता है ये, सही है, 12 वोल्ट है, सही है, एसीडीसी है, ये पास है, ये रॉयल का इन्होंने ब्रांडिंग किया हुआ है बस। ये आज ये इसका रिमोट का सेंसर है, ये इसमें जो है ये भी नहीं है कि आरएफ टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ये मतलब कि इसको रिमोट का पंखे की तरफ करेंगे तो ये रिमोट पंखा का कम स्पीड और ऑन ऑफ होगा, सही है। पंखा हमने हैंग कर दिया तो अब इसमें से हम यहाँ से ऑन करेंगे स्विच को, तो ये हमारा पंखा ऑन हो जाएगा। पंखा थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लेता है, सही है, ये पंखा हमारा ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये आप देख सकते हैं। तो हाँ, मैं इसके प्राइस बताना है, तो इसके जो प्राइस है 9000
300 रुपये इसकी प्राइस है। अच्छा, ये बीच में आप रिमोट में देख रहे हैं टर्बो है, सही है, 1 से लेकर 6 स्पीड है इसका और बीच में टर्बो है। टर्बो में कर देंगे तो फुल स्पीड पे चलेगा, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप इसको 4 या 5 पे चलाएं, फुल पे ना चलाएं। फुल पे कोई भी चीज़ आप लें तो उसको फुल पे ना चलाएं, उसको आप से 2% जो ना नीचे रखें तो उसकी लाइफ सही रहेगा, सर्किट का लाइफ सही रहेगा, ज़्यादा दिन तक चल सकता है वो, सही है। कोई भी चीज़ का बिल्कुल फुल अगर मतलब कि 6 है फुल स्पीड है तो फुल स्पीड पे ही चला रहे हैं, तो उससे क्या है ना, इससे लाइफ कम होगी, सर्किट की लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी। तब इसको कम पे रखें, अगर 6 है तो आप इसको 4 या 5 पे रखें, टर्बो पे ना चलाएं। ज़्यादा गर्मी तब चलाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको रेगुलर बेस पे ना चलाएं, इसको फुल स्पीड पे नॉर्मल स्पीड पे रखें आप इसको, 4 या 5 में भी बहुत अच्छा हवा आता है और इसका रॉयल का पंखा है अच्छा बेहतरीन हवा है। तो अभी हम इसका डीमर को हम रिमूव कर देते हैं, सही है, डीमर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने डीमर रिमूव कर दिया। और हाँ, इसकी जो पंखे की सर्किट का जो वारंटी है वो 6 माह वारंटी है, अब मोटर की 3 साल वारंटी है। और ये अगर ख़राब होता है तो ये घर पे आके ही सर्विस देंगे, मतलब कि फ्री सर्विस है इसका रॉयल वालों का, तो इसमें ये बेनिफिट है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर वकास अहमद को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।